आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में दशा माता की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दशा में सुधार होता है। वे दशा माता की कृपा से मनुष्य की प्रत्येक मनोइच्छा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। आइए अब सुनते हैं दशा माता की कथा कहानी। किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। एक दिन बहू नहा धोकर पूजा पाठ कर चूल्हे चौकी का काम करने लगी तो उसने देखा चूल्हे में आग नहीं है। उसने अपनी सास से कहा तो सास बोली, जा पड़ोस में से मांग ला। बहू आग मांगने गई तो पड़ोसन ने कहा, आज हम दशा माता की पूजा करेंगे, डोरा लेंगे, इसलिए अभी आग नहीं देंगे। ऐसा करते करते बहू कई घरों भर गई, पर सबने दशा माता की पूजा की बात कहकर मना कर दिया कि अभी आग नहीं देंगे, पहले हम दशा माता की पूजा करेंगे। वह घर आकर सास से बोली, आज सब दशा माता की पूजा कर रहे हैं, किसी ने आग नहीं दी। थोड़ी देर बाद जब सास फिर से पड़ोसन के गई तो उन्होंने सास से कहा, तुम्हारी बहू थोड़ी देर पहले आग मांगने आई थी, लेकिन तब हम दशा माता की पूजा कर रहे थे, अब तुम आग ले जा सकती हो। शाम के समय बहू पड़ोसन के पास गई और बोली, बहन मुझे बताओ तुम सुबह किसकी पूजा कर रही थी और इसके करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा, हम सुबह दशा माता का डोरा ले रही थी, पूजा कर कथा कहानी कह रही थी। दशा माता की व्रत पूजा करने से, कथा कहानी कहने से प्रतिकूल दशा अनुकूल हो जाती है, इसलिए घर की दशा को अनुकूल बनाए रखने के लिए हम दशा माता का व्रत पूजन व कथा कहते सुनते हैं। बहू ने कहा, क्या मैं ये व्रत कर डोरा ले सकती हूँ। पड़ोसन बोली, हाँ ले सकती हो। फिर जब अगली बार दशा माता का व्रत आया तो बहू ने सास से चोरी छुपे दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक तो वह पड़ोसन के घर जाकर चुपचाप कथा कहानी सुनाती, लेकिन जब 10वां दिन आया तो उस दिन उसके मन में आया कि आज वह अपने घर में पूजा कर कथा कहानी कहे, मगर उसे अपनी सास का डर था। उसने दशा माता से अपने मन की बात कही और माता की कृपा से उस दिन उसकी सास ने कहा, बहू मैं खेत पर जा रही हूँ, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तू मेरा भोजन बनाकर खेत पर ही ले आना। बहू ऐसा सुनते ही प्रसन्न हो उठी, सास खेत पर चली गई। बहू ने सिर समेत स्नान किया, पूर्ण रूप से विधि सहित दशा माता का पूजन कर कथा कहानी कही। ये सब करते करते उसे काफ़ी समय लग गया। पूजा करने के बाद उसने सारी चीज़ों को एक मिट्टी के गोले में लपेटा और सोचा, सास के आने से पहले ही विसर्जित कर आएगी, पर वह जाती उससे पहले ही सास आ गई।
उसने डर कर वह मिट्टी का गोला पास ही पड़े छाछ के घड़े में डाल दिया। सास ने पूछा, तू मेरा भोजन लेकर क्यों नहीं आई? उसने कहा, मुझे घर के काम में ही देर हो गई। सास ने कहा, चलो अब मुझे भोजन परोस दो। यह कहकर वह भोजन के लिए बैठ गई। इतने में ही उसका बेटा भी आ गया। दोनों माँ बेटे भोजन करने लगे और वह भोजन बनाकर परोसने लगी। भोजन करते करते बेटे ने कहा, माँ मुझे छाछ दो। सास ने सोचा, बहू भोजन बना रही है, चलो मैं ही छाछ दे देती हूँ। सास ने जैसे ही छाछ लेने के लिए बर्तन घड़े में डाला, हाथ वाला बर्तन अंदर पड़ी किसी चीज से टकराया। सास ने हाथ डालकर देखा तो वह हैरान रह गई। छाछ में से सोने का गोला निकला। उसने बहू को बुलाया और पूछा, ये क्या है? क्या तुमने चोरी की है और इसे यहाँ छुपा दिया है? बहू डर कर कांपने लगी और बोली, माँ जी मैंने कोई चोरी नहीं की। और सास को दशा माता के व्रत पूजा के बारे में सारी बात बता दी और कहा, ये मिट्टी का गोला सोने का दशा माता की कृपा से ही बना है। उसकी बात सुनकर सास बहुत प्रसन्न हुई, उसे गले लगाया और कहा, अब मैं भी दशा माता का व्रत पूजन करूंगी, कथा कहानी करूंगी। तब से वह दोनों सास बहू हर वर्ष दशा माता का डोरा ले व्रत पूजा कर कथा कहानी कहती और दशा माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। 9 निद 12 सिद्ध हो गए। बोलो दशा माता की जय। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने बहू पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबकी शारीरिक मानसिक व आर्थिक दशा को मजबूत बनाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।